नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब मैंने गुड्स को परचेज किया तो एज पर सेक्शन 194Q मुझे उस पर TDS काटना बनता है। पर मेरा क्वेश्चन यह है कि मैंने जब गुड्स को परचेज किया कोई बात नहीं, मुझे TDS काटना बनता था, परंतु इन फ्यूचर मैंने एक डेबिट नोट इशू कर दिया अपने सप्लायर को, अपने सेलर को मैंने डेबिट नोट इशू कर दिया, तो क्या वो डेबिट नोट TDS की कैलकुलेशन के समय पर कंसीडर किया जाएगा? फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई गुड्स परचेज किए 1 करोड़ रुपए के, जिसके ऊपर मुझे 194Q के अंदर TDS काटना बनता है, और बाद में मैंने 10 लाख रुपए का उसको डेबिट नोट इशू किया, लेट से 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद या 2 महीने बाद मैंने डेबिट नोट इशू कर दिया 10 लाख रुपए का, बाई एनी रीजन, क्वांटिटी कम थी या रेट में डिफरेंस था, किसी भी रीजन से मैंने डेबिट नोट काटा, तो क्या TDS मुझे 90 लाख रुपए पे जमा कराना होगा या 1 करोड़ रुपए पर? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने से पहले एज यूजुअल आपसे अगेन रिक्वेस्ट, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे। दोस्तों 194Q एप्लीकेबल होता है ऑन परचेज ऑफ गुड्स। अब 194Q के अंदर जो TDS काटने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लायबिलिटी, जो टाइमलाइन है वो है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और रिसीविंग ऑफ गुड्स, यानी कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टू द सप्लायर, जब आपने सप्लायर को पेमेंट किया या जब आपने परचेज की, जब आपने गुड्स को रिसीव किया, जब आपने परचेज किया, विच एवर इज अर्लियर, उन दोनों में जो भी पहले आ जाए। अब सपोज आपने गुड्स को आज परचेज किया, आज की डेट में आपने परचेज किया 1 करोड़ रुपए वाले ही हम एग्जांपल को लेकर चलते हैं कि आज आपने 1 करोड़ रुपए का गुड्स परचेज किया, तो आपकी लायबिलिटी TDS की कब बन गई? आज आपकी लायबिलिटी बन गई कि आप उस 1 करोड़ रुपए के ऊपर आप TDS काट करके फिर पार्टी को पेमेंट करें। अब सपोज एक महीने के बाद में आपका जो डेबिट नोट होता है वो 10 लाख रुपए का जमा होता है, आप 10 लाख रुपए का आप एक डेबिट नोट रेज कर देते हैं, तो क्या अब आप ये कहेंगे कि सर मुझे तो 90 लाख रुपए का TDS काटना है, और लेट से कि TDS जमा करने से पहले ही आपको पता भी चल जाता है कि 10 लाख रुपए का इस पर डेबिट नोट भी कटना है, तो क्या 90 लाख पे? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रोविजन है, प्रोविजन क्लियरली कहता है एट द टाइम ऑफ परचेज और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर आपको TDS काटना होगा। जब आपने मटेरियल को परचेज किया, जब आपने गुड्स परचेज किया उस समय उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए थी, तो आप उस 1 करोड़ रुपए पर ही आप TDS जमा कराएंगे। बाद में इन फ्यूचर यदि आपको डेबिट नोट देना पड़ता है तो उस डेबिट नोट को आप कंसीडर नहीं करेंगे, मींस कि आप 90 लाख रुपए के ऊपर TDS नहीं देंगे, आप 1 करोड़ रुपए के ऊपर ही TDS देंगे। या इन फ्यूचर भी कि सपोज अगले महीने फिर आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए का बिल आ गया, तो आप ये सोचेंगे सर 1 करोड़ रुपए का बिल आया था लेकिन 10 लाख रुपए मेरा पिछला डेबिट नोट पड़ा हुआ है, तो अब मैं 90 लाख रुपए पे कर लूं। या सपोज 50 लाख का अगले महीने आपने मेटल खरीदा, 10 लाख का आपके पास में पिछले डेबिट नोट पड़ा हुआ था, आपने कहा सर मैं 40 लाख रुपए का डेबिट नोट काट वो TDS काटूंगा, तो ऐसा नहीं होगा, आपको अगले बिल पर भी TDS पूरे 50 लाख रुपए पर काटना होगा। दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डेबिट नोट के केस में अगर डेबिट नोट आप इशू करते हैं तो क्या आपको TDS काटना होगा, उस डेबिट नोट को कंसीडर करना होगा या नहीं करना होगा। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।